हम सेशन स्टार्ट करते हैं अभी। तो आज का मैं आपका होस्ट हूँ। ओके, मेरा नाम है संदेश, संदेश साड़वी, रहने के लिए जोगेश्वरी में हूँ। जो आज को आप आज आपको ये अपॉर्चुनिटी बताने के लिए जिन्होंने भी आपको बताया है, सो उनको आप थैंक यू बोलिए कि आपको आपकी लाइफ में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको देखने जा रहे हो अभी, जो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे हमारे लाइफ में चेंजेस हुए। सो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगा जो आपको ये प्रेजेंटेशन आज दिखाने वाले हैं। ओके, उनका नाम है मिताली जोशी, मिस मिताली जोशी। मैं उनके बारे में 2 मिनट बताना चाहूँगा। वो बाय प्रोफेशन हेल्थ कंसल्टेंट है और हाउस वाइफ है। उसके साथ फैमिली को संभालते संभालते वो बिजनेस कर रहे हैं। अभी इस कंपनी में वो अच्छे लेवल पे है। ट्रैवल फंड अचीवर है, कार फंड अचीवर है। सो आप उनके जुबानी आप सब कुछ अभी सुनेंगे, उन्होंने कैसी जर्नी की और आपको प्रेजेंटेशन शो करेंगे। तो मैं आपको उनको इन्वाइट करना चाहूँगा। वेलकम टू मिताली मैम ऑन स्क्रीन। थैंक यू संदेश जी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। या थैंक यू फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। जैसे ऑलरेडी संदेश जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, बट मैं फिर भी एक बार अपने खुद की जुबान से मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम मिताली जोशी है एंड बाय प्रोफेशनल मैं हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, और उसी के साथ एक बिजनेस वूमेन के साथ भी मैं यहाँ पर ये यूट्यूबर भी हूँ। यानी मेरी खुद की यूट्यूब की चैनल भी है जहाँ पर आज बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, और उसी के साथ हस्बैंड के साथ ये बिजनेस पैशनेटली बिल्ड करती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबका पहले तो यहाँ पर मैं स्वागत करूँगी आज के हमारे ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग यहाँ पर नए होंगे, कुछ हाउस वाइफ होंगी, कुछ यहाँ पर जॉब करते होंगे, कुछ प्रोफेशनल में होंगे, राइट? बट यहाँ पर इसमें मैं आपको यहाँ पर एक बताने वाली हूँ कि जहाँ पर आप हैज अ कंज्यूमर यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आज तक हम जब से हमने जन्म लिया है तब से अब तक, या हम बोले अगर मैं अगर आपको बताऊँ कि जब तक हम जीने वाले हैं तब तक हम कंज्यूमर तो है, बट कंज्यूमर के क्या बेनिफिट्स है वो आज तक मुझे भी नहीं पता था। आज ये बिजनेस के थ्रू मैं आपको ये बेनिफिट बताऊंगी, एज अ कंज्यूमर भी आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, राइट? मैं यहाँ पर हमारा जो सेशन है ये दैट इज 35 to 40 मिनट्स का रहेगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो जो सेशन है बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, बिकॉज मेरे जीवन में भी लाया और काफी लोगों के जीवन में ये परिवर्तन आया इससे। तो मैं यहाँ पर मेरा ये प्रेजेंटेशन के लिए मेरा स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ। जस्ट मुझे बताइएगा कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है या नहीं। यस मैम, दिख रहे हैं। ओके फाइन। ओके सो वेलकम एवरीवन फॉर द कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट? जैसे मैंने कहा कि हम कंज्यूमर है, तो यहाँ पर कंज्यूमर के क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बट उसके पहले मैं आपको यहाँ पर एक सवाल सभी को पूछूंगी। कोई भी काम हम प्रोजेक्ट नया करते हैं, राइट, कोई भी काम करने से पहले क्यों करना जरूरी है या कैसे करना जरूरी रहता है, राइट? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको बात करूं कि अगर मैंने आपको बोला कि आपको घर पे ही रहना है, घर के बाहर नहीं जाना है, तो सबसे पहले सवाल आपका क्या होगा, घर पे क्यों रहना है, कैसे रहना है, ये नहीं पूछेंगे आप। डेफिनेटली है, राइट? एग्री मेरे हिसाब से सभी लोग यही पूछेंगे पहले कि मुझे घर पे क्यों रहना है। तो अगर मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया कि आपको घर पे इसलिए रहना है बिकॉज कोरोना चल रहा है, आप घर पे सेफ रहेंगे, राइट? यानी कि वाई क्लियर कर दिया मैंने आपका। आपको कैसे रहना है वो आगे हम बताएंगे, बट आपको वाई आपका अगर क्लियर हुआ तो डेफिनेटली कैसे करना है वो आपको आइडिया आ जाएगा। वैसे ही ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको यहाँ पर किसी ने जो नए लोगों को यहाँ पर लिंक देके शेयर की है, यानी आपको इनवाइट किया है, तो आपको पहले यहाँ पर ये सोचना है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों करनी है, क्यों इसे ग्रैप करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए तो हम आपको आगे सिखाएंगे, बट कैसे क्यों करनी है वो बहुत अगर आपका क्लियर हुआ तो डेफिनेटली आगे वाली मेरी 35 to 40 मिनट्स का जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, राइट? फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, आज हम एज अ कंज्यूमर की जो मैंने बात की,
एक रॉबर्ट कियोसाकी करके एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, राइट, और एक फेमस एंटरप्रेन्योर भी है. उन्होंने ये चीज बताई कि आज सही तरीके से कमाने के चार तरीके हैं. हमारे घर में जो इनकम आती है वो चार तरीके से आती है. एक है एम्प्लॉय, और एक है सेल्फ एम्प्लॉयड, और अगर आप राइट साइड में देखते हो तो बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, राइट. अभी सेल्फ एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन आते हैं? एम्प्लॉय में आते हैं हम जो जॉब करते हैं, राइट, और सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन आते हैं? डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, राइट, खुद का जिसका बिजनेस है, वो आते हैं लेफ्ट साइड में अभी. और उनकी अगर मैं बात करूं, हार्ड वर्क करते हैं, राइट, जॉब तो जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में जो पूरे महीने हमारा खर्चा होता है ना, वो हमारे बॉस के वजह से होता है. बॉस ने बोला आज आपको ओवर टाइम करनी है तो डेफिनेटली रुकना पड़ेगा, बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको उसकी सैलरी मिल रही है, यानी घर हमारा उसी से चलता है. तो डेफिनेटली यानी आप हार्ड वर्क करते हो, यानी ऑलवेज आप बिजी भी रहते हो, आप अपने फैमिली के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है. और ये एक्टिव इनकम है, ऑफिस गए तो पैसे आए, ऑफिस नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे. वैसे ही अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं, अगर आप हॉस्पिटल गए, अगर डॉक्टर की बात करती हूं, तो आपने क्लिनिक ओपन किया, आपके घर में पैसे आए, अगर क्लिनिक ओपन नहीं तो पैसे नहीं आते हैं, राइट. यानी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है. और वो हमने बेसिकली यहाँ पर, अगर मैं बताऊं कि लास्ट चार महीने में हम लोग ने देख ली है कि सिक्योरिटी कुछ नहीं है इसकी, राइट, क्योंकि आज काफी लोगों के जॉब्स भी चले गए हैं ये लॉकडाउन के पीरियड में, और कर्जे में रहते हम, क्योंकि होम लोन होता है, कार लोन होता है, राइट, बाकी बहुत सारे ईएमआईज भी होते हैं, यानी कर्जे में डूबे रहते हम. और अगर आप, अगर ये लोग से अगर बात करने जाते हो कुछ नए अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो वहां पर वो क्लोज माइंडेड रहते हैं, यानी कि उन्हें और कुछ सोचता ही नहीं, बहुत बिजी हो उनके पास, उनका ऐसा लगता है कि मेरे पास ये करने के लिए टाइम ही नहीं है, राइट. बट अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अगर आपको बात करती हूँ, तो 95% का जो पॉपुलेशन है इंडिया, अगर मैं बात करूँ, तो वो सिर्फ लेफ्ट साइड में है. मगर अगर उनकी इनकम की बात करते हैं तो 5%, जस्ट 5% का वेल्थ उनके पास है. और उसी जगह पे अगर मैं राइट साइड की बात करती हूँ, जहाँ पर है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर. अभी बिजनेस ओनर में कौन आते हैं? जैसे अंबानीज हैं, डॉक्टर बत्रा का है, आप टाटा की बात कर लीजिए, राइट, ये सिस्टम बेस पे काम करते हैं. इसीलिए, क्योंकि क्या है, वो एक स्मार्ट वर्क में आता है, राइट. और इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो पैसे ही पैसे को खींचते हैं, यानी कि पैसे है, प्रॉपर्टी ले ली, वहां से वापस पैसे आएंगे ही, राइट. सो ऑन गोइंग इनकम है. तो ये क्या हुआ, ये स्मार्ट वर्क हुआ. और जहां पर अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि टाइम फ्रीडम हो गया यहाँ पर, या अगर अंबानी की मैं बात करूं, अंबानी जी क्या किया, अंबानी जी ने ये किया है कि उन्होंने 100 लोगों को हायर कर लिया है, राइट. बट आज अगर वो खुद नहीं है तो क्या उनके घर में पैसे नहीं आ रहे? क्या अगर मुकेश अंबानी जी को अगर IPL देखनी है तो क्या वो TV पे देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो वहां पर जहाँ ऑलरेडी होती है ना, वहां जाके देखते हैं. यानी टाइम फ्रीडम है उनके पास, उनको कोई टेंशन नहीं है उसकी, और पैसे तो आते ही रहेंगे. इसे बोला जाता है पैसिव इनकम. और एक स्टेबल इनकम की बात, कर्जे की तो कहां बात ही नहीं आती है, बिकॉज अच्छे तरह से पैसे आते ही है, ऑन गोइंग रहता है, राइट. और अगर उनकी बात करूं तो वो ओपन माइंडेड रहते हैं ये लोग. राइट साइड के जो है वो ओपन माइंडेड रहते हैं. क्यों? बिकॉज आप अगर आप देख, जैसे मैं बताऊं कि रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस में जियो है, राइट, उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो रिलायंस के मॉल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, राइट. तो ये ओपन माइंडेड है. और अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 5% लोग हैं, और उसके सामने इनकम कितनी आती है, 95% यहाँ पर इनकम है वो लोग की, राइट. तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं आपको ये पूछूं कि राइट साइड में रहना अच्छा है या लेफ्ट साइड में रहना, डेफिनेटली काफी लोग चाहेंगे राइट साइड में आने का, राइट. बट अभी राइट साइड में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट, कुछ
प्रिंसिपल्स है राइट क्वाड्रेंट में आने के लिए, जहां पर मैं अगर आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि क्या है, एक लेफ्ट साइड में अगर आप रहते हो तो आपको 8 से 10 घंटे देने पड़ते हैं, सेल्फ एबिलिटी पे रहता है और वहाँ ही 1 या 2 सोर्स ऑफ इनकम है। वहाँ ही राइट साइड के बेनिफिट क्या होते हैं, आपके पास लाखों घंटे है राइट, और एक सिस्टम बेस्ड आपका काम होता है। और अगर मैं सोर्स की बात करूं तो मल्टीपल सोर्स, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा आपको राइट, अभी यहाँ पर आपको पैसे कैसे आएंगे राइट, जैसे अभी मैंने कहा आपको कि एज अ कंज्यूमर हम है, तो यानी हमारे कंज्यूमर अगे यानी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के जो सामान आज हमारे घर में आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। डेफिनेटली हमारे कोई बने की दुकान से आ रहे हैं, या तो डीमार्ट से, या तो कोई शॉपिंग मॉल से आ रहे हैं। यानी वो किस तरह से आ रहे हैं वो यहाँ पर अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर राइट साइड में आना है और एज अ स्मार्ट कंज्यूमर बनना है तो क्या फर्क है। आज आपके घर में जो भी सामान आता है डेफिनेटली 100 रुपीज का आप लाते हो, MRP पे लाते हो, और वो बनता कितने में है, 40 रुपए में। बट हमारे पास आते आते 100 रुपए क्यों हो जाते हैं, बिकॉज आप अगर देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रेडिशनल वे से मैंने जो बताया है, जहाँ पर CNF एजेंट्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर, और सबसे ज्यादा जाता है एडवर्टाइजमेंट में, जहाँ पर हम बात करते हैं मेरे सौंदर्य का राइट, मुझे आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि उसके अलावा बहुत ही फेमस एक्टर की अगर मैं बात करूं, अमिताभ जी की ठंडा ठंडा कूल कूल, अगर इनकी बात करूं तो नवरत्न तेल की जब बात करते हैं वो, तब फ्रेंड्स सोच लीजिए क्या सही में वो यूज करते हैं ये सभी चीजें, नहीं, उनको तो बाल ही नहीं है, विग पहनते हैं, तो कैसे पता कि ये सही में बालों में ठंडा ठंडा कूल कूल दे रहे, बट हमें एडवर्टाइज के थ्रू वो रिकमेंड करते हैं और हम लेके आते हैं। उसी जगह पे अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि जहां पर ये कंज्यूमर से आप स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से मिलेगा ये सामान, और ये जो 60% आपके जो बीच में जा रहे हैं वो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से काफी लोग बहुत हैप्पी होंगे ये जान के कि अगर ये 60% बचता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट है। एक तकरीबन मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर 10,000 का घर में सामान आता है और उसमें से 60% यानी 6,000 रुपए अगर आपके बचते हैं तो बहुत अच्छी इनकम बचती है हमारी राइट। अभी ये कैसे होता है, सी कोई भी बिजनेस हम अगर करते हैं तो वो रेफरल पे रहता है राइट। आज हम अगर मैं बात करती हूँ तो हम कोई भी काम करते हैं तो रेफरल पे होता है। अभी ये रेफरल कोड कैसे आता है राइट, अगर आपको मैं बताऊं, यहाँ पर बिग बास्केट है, शाहरुख खान जी इसको प्रमोट करते हैं राइट, बोलते हैं कि यहाँ से आप परचेज कीजिए, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट्स होगा। उसी के सामने अगर मैं बात करूँ तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये क्या करते हैं, ये रेफर एंड अर्न ही तो करते हैं। हमें बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन शेयर करिए लोगों से, 200 रुपये का बेनिफिट्स आपको, यानी उनको क्या होगा, आपके फ्रेंड को 200 रुपये और आपको 100 रुपये मिलेगी, यानी अगेन रेफरल का बेनिफिट हो गया। उसके अलावा बहुत सारे अगर मैं बात करूं आपको, हम डॉक्टर्स राइट, CA, ये सभी स्कूल्स है, ये सभी जगह पे हम रेफरल करते हैं, यानी हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसका रेकमेंड करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, भीम UPI हमें रेकमेंड कर दिया कि आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, वहां से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे आपको राइट। सो फ्रेंड्स सब इसी तरह से चलता है, कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं तो रेफरल पे ही होता है। अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सी अगर आपको राइट साइड में अगर आना है राइट, तो आपको कुछ चेंज आपके बदलाव में लाना पड़ेगा, आपका परचेज पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जहाँ पर आपको क्या बेनिफिट्स होगा वो परचेज पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने से, सबसे पहले आपको क्या होगा, 10 से 20% MRP पे डिस्काउंट, यानी 15% डिस्काउंट मिलेगा आपको यहाँ पर। दूसरी बात, आपको यहाँ पर 10% के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे। थर्ड है 20% लॉयल्टी बेनिफिट मिलेगा आपको, इसकी मैं आगे डीप में आपसे बात करूंगी कैसे आता है। देन है 5% प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कंपनी ने जो प्रॉफिट लिया है उसके शेयरिंग का 5%, अगर इसकी अगर मैं बात करूं ना फ्रेंड्स तो ये 50% का बेनिफिट आपको मिलता है फ्रेंड्स राइट। अभी ये
आपको अगर राइट साइड में आना है, स्मार्ट कंज्यूमर बनना है, तो उसके लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या देना है, आपको एक आपका फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ, ईमेल आईडी और आपका एक कॉन्टेक्ट नंबर, राइट। जैसे आप अभी रजिस्ट्रेशन का पावर क्या है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया तो उसका पावर आपको क्या मिलता है यहाँ पर, आप जैसे आप देख सकते हो, अगर जियो का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, हमें क्या मिला, एक सिम कार्ड मिला, और अगर वो सिम कार्ड से आपको एक मोबाइल नंबर मिलता है, वो मोबाइल नंबर से आपको एवरी मंथ आप रिचार्ज करोगे तभी किसी को कॉल कर पाओगे। अगर ये महीने में आपने रिचार्ज, नेक्स्ट मंथ में रिचार्ज नहीं किया, तो क्या आप किसी को कॉल कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पर वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपने यहाँ रिचार्ज एवरी मंथ करना है, वैसे ही ये एक जो कंपनी की मैं बात, ब्रांड की बात कर रही हूँ, जिसका नाम है वेस्टिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बहुत गर्व से मैं कह सकती हूँ, यहाँ पर भी आपका फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, राइट। एक आपका ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, वो डॉक्यूमेंट देख के आपके फ्री रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और आपको एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिलता है, और यहाँ पर वो स्मार्ट कंज्यूमर के लिए आपको एवरी मंथ आपको परचेसिंग करना है। अब परचेसिंग क्या करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि हम कस्टमर है तो कंज्यूमर है, तो यानी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के हमारे घर में सामान आते ही है, वही सामान आपको यहाँ से भी मिलेंगे, राइट। दैट इज कॉल्ड एन FMCG। ये FMCG सेक्टर में बेनिफिट्स, जैसे मैंने कहा कि आपको कैसे मिलते हैं, आज अगर मैं मार्केट के ब्रांड की बात करती हूँ, तो हमें जहां से भी हम सामान लाते हैं, डेफिनेटली है कि MRP पे ही लाते हैं, और अगर कोई मॉल में जाते हैं तो 2-5%, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। बट अगर आप ये न्यू शॉप में, यानी हमारे जो ब्रांड की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप वहां से लेते हैं, तो वहां पर आपको पहले ही, सबसे पहले हर एक प्रोडक्ट पे आपको 10-20% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ओकेशनली फ्री प्रोडक्ट्स, यानी कुछ फेस्टिवल हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे रक्षाबंधन है, दिवाली है, या ऐसा कुछ रहता है, तब आपको वो फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसके अलावा कभी कोई फ्री प्रोडक्ट्स नहीं मिले, जबकि यहाँ पर आपको हर महीने 10% के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आपके वहां पर बेनिफिट क्या है, अगर आपने 3000 का सामान लिया तो 300 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि कंज्यूमर के बहुत सारे बेनिफिट्स है जो मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला, जहां पर मैं आपको बता रही हूँ, ये लॉयल्टी बेनिफिट, आज तक ये लॉयल्टी के बारे में हमने जाना ही नहीं है। आज तकरीबन अगर मैं अपनी बात करूं, आज हम मैं बाजू वाले की बने के वहां से आज इतने साल से सामान लाती थी, यानी कि वो नाम से और मुझे पहचानता था और चेहरे से भी पहचानता था, बट कभी अगर मेरे बच्चे ने जाके वहां पर एक चॉकलेट भी मांगी तो वो फ्री में नहीं दिया, उसके भी चार्ज ले लिए, राइट। उसी जगह पे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपको, तो यहाँ पर हमें 20% की लॉयल्टी बेनिफिट मिलती है। लॉयल्टी का मतलब है, यहाँ पर अगर आप लगातार 3000 के प्रोडक्ट्स 4 महीने लेते हैं, तो एवरी 5th मंथ आपको 3000 के MRP के प्रोडक्ट टोटली आपके चॉइस के फ्री मिलते हैं। फ्रेंड्स, सोचिए आप कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है हमें यहाँ पर, राइट, जो आज तक हमें नहीं पता था ये चीज। और दूसरी बात आती है नो प्रॉफिट शेयरिंग, यानी क्या वो बनने वाला या मॉल वाला उसके प्रॉफिट में से आपको कोई शेयरिंग देता है? बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पर ये हमारी जो ब्रांड है या हमारी ये जो कंपनी की बात करती हूँ, वो हमें यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग की बेनिफिट देती है। 5-11% का प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, राइट, हमने जो परचेस किया है उसपे। और ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, क्या आपको मार्केट के, आपने काफी लोगों ने सुने होंगे गोल्ड कॉइन, राइट, कितने लोगों को यहाँ पर, सही में अगर मुझे बताइए, काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोगों को गोल्ड कॉइन मिले? मैंने तो किसी को देखा नहीं है, ना ही मुझे मिला है। अगर आपको मिला है तो हाँ, हैंड रेस कर सकते हैं, राइट, बट कभी नहीं हुआ रहेगा फ्रेंड्स, ये सिर्फ बताने के लिए एक रहता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। बट यहाँ पर भी हमारे पास कुछ स्कीम्स आती है, जो हम बोलते हैं लैपटॉप आता है, किसी को मोबाइल मिलता है, यानी कंपनी इस तरह की स्कीम्स रखती है, और उसका ट्रांसपेरेंसी रहता है, यानी कि किसे लगा वो आपको पता चलता है। कैसे, हमारे फेसबुक का हमारा जो ऑलरेडी साइट है, वहां से
हमारी वेबसाइट है, वहां से आपको ऑलरेडी पता चलता है कि किससे क्या लगा है। काफी लोगों को हमारे टीम में भी लगा है, लास्ट मंथ में ही हमारे टीम में से किसी को मोबाइल लगा था, राइट। तो ये सभी आपको ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर कोई हिडन नहीं है, राइट। आगे अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे वेस्टिज के बारे में बात की, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की अगर बात करूँ, तो आज मैं गर्व के साथ, हमें प्राउडली हम फील करते हैं कि यस, हम ये कंपनी के ऑलरेडी लीगली पार्टनर है, राइट। हमें यहाँ पर ये प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है। कंपनी आज 2004 में इंडिया में लॉन्च हुई थी, इंडियन बेस्ड कंपनी है। और कंपनी की मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो मिस्टर गौतम बाली सर हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उसी के साथ हमारे दो डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर कन्वर सर सिंह जी और दीपक सूद सर, राइट। इनका मोटिव क्या है? हर एक लोगों को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना, राइट। कंपनी अगर मैं बात करूँ, आज 16 साल हो चुका है कंपनी को इंडिया में सर, फ्रेंड्स। और कंपनी ने 2 प्रोडक्ट के साथ कंपनी लॉन्च की थी, और आज तकरीबन 350 से ज्यादा कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, और वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी के, फ्रेंड्स। कंपनी के 2.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कंपनी ने आज शुरुआत में 2 ऑफिस के साथ शुरुआत की थी, यानी इंडिया के होते हुए आज मैं बताऊं आपको, मोर देन 3000 ऑफिसेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हमारे ऑलरेडी पैन इंडिया पे काम कर रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। और उसी के साथ हमारी अगर मैं बात करूं कि कंपनी इंडिया के अलावा बाकी 7 कंट्रीज में भी डेवलप कर रही है। लॉकडाउन के पीरियड में कंपनी जहां पर बंद हो रही है, वहां पर कंपनी ने खुद के नए 2 कंट्रीज ओपन किए हैं। घाना की बात करूं तो वहां पर आज लॉकडाउन के पीरियड में कंपनी ने ऑलरेडी वो कंट्री ओपन की है, राइट। कंपनी के खुद के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है हिमाचल प्रदेश वर्दी में, ISO सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है, और उसी के साथ हलाल सर्टिफाइड है। और इसी तरह के हमारे फ्री एजुकेशन आपको मिलती है यहाँ पर, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलती है, बिजनेस सेमिनार्स, अवार्ड फंक्शन, बहुत सारी चीजें होती है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि जहां पर मैंने ऑलरेडी आपसे बात बहुत कुछ की, कंपनी के बारे में बताया, बेनिफिट क्या है, तो डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे कि इसके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, क्या है। मल्टीपल रेंज के प्रोडक्ट्स है इसकी, जहां पर हेल्थ केयर के हैं, फेस केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, पर्सनल केयर, मिस्टर ऑफ मिलान कॉस्मेटिक यानी के लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए भी ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स है, हेल्थ फूड है, ओरल केयर के है। इसी के अलावा हमारे पास एग्री के है प्रोडक्ट्स, शार्प कंपनी के हमारे पास एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर भी है, फ्रेंड्स। और अगर क्वालिटी की जैसे मैंने बात की आपसे, यहाँ पर मैं आपको आप देख सकते हो कि मैंने 3 सोप दिखाई दे रहे आज मार्केट में, जहां पर हम बताते हैं डेटॉल, लक्स। अगर मैं डेटॉल की बात करूं फ्रेंड्स, तो जनरली हमें बताया जाता है माँ का दुलारा लक्स, सॉरी डेटॉल, राइट। बहुत लोगों को रिकमेंड करते हैं या कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और जहां पर सेकेंड है लक्स मेरे सौंदर्य का। थर्ड सोप के बारे में तो डेफिनेटली आप काफी लोग नहीं जानते हैं, ये हमारे कंपनी का एश्योर सोप है, राइट। अभी जहां पर आप कभी भी कोई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो गवर्नमेंट उनको एक टैग ग्रेड देती है, ग्रेड एंड TFM, जिसे बोला जाता है ट्रांस फैटी मैटर। तो आप देख सकते हो कि नीचे तीनों के ग्रेड लिखे हैं। जहां पर अगर मैं बात करती हूँ माँ का दुलारा डेटॉल की, तो ग्रेड आप देख सकते हो कि ग्रेड 3 है और उसके TFM 62%। उसी के बाजू में अगर आप देखते हो तो लक्स की अगर बात करते हैं तो वो ग्रेड 2 है और TFM है 70%, यानी कि डेटॉल से तो अच्छा है। अभी वही चीज सामने अगर मैं बात करूं जहां पर हमारी कंपनी का एश्योर सोप है ग्रेड 1 एंड TFM 76%। फ्रेंड, मजे की बात सिर्फ ग्रेड्स की भी नहीं है, यहाँ पर अगर मैं मजे की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर तीनों के प्राइस एक ही है, 40 रुपीज के, और क्वांटिटी 100 ग्राम की है तीनों। बट फ्रेंड्स, आप अभी यहाँ पर आप मुझे बताइए, अगर आपको 100 ग्राम का सोप 40 रुपए में तीनों है, तो आप प्रिफर पहले कौन सा करोगे? डेफिनेटली हम अगर मैं हम बात करते हैं, अगर मेरी बात करें
तो डेफिनेटली मैं ग्रेड वन वाला प्रिफर करूंगी क्योंकि वहां पर अच्छी क्वालिटी है और TFM भी ज्यादा है, राइट। और फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर आपको अगर बात करती हूँ और भी कुछ कंपैरिजन की है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स के और कंपैरिजन दिखा रही हूँ कि जहाँ पर डेटॉल्स के अलावा यानी हमने सोप के अलावा आप देख सकते हो पेस्ट है, राइट, चाय पत्ती है, बहुत सारी है। पॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ टेलकम पाउडर की, काफी लोगों के घर पे यही पॉन्ड्स टेलकम पाउडर रहता है, पॉन्ड्स का जहाँ पर वो आता है 85 rupees का 100 cap, राइट। वही चीज का उतने ही क्वांटिटी का अगर उससे अच्छी क्वालिटी का आपको अगर 52 में मिलता है तो डेफिनेटली हम चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज आज तक अगर मैं अपनी बात करूं, हम जब से बचपन से बड़े हुए हैं अभी तक हमने कई बार ब्रांड्स चेंज की है, राइट फ्रेंड्स। जहां पर आती है अगर मैं मोबाइल की बात करती हूँ, पहले के जमाने में पेजर था, फिर कॉर्डलेस आया, फिर बाद में आया कीपैड, और आज का जमाना क्या है, एंड्रॉइड एप्पल। यानी हमने जैसे जैसे हम जनरेशन हमारा जनरेशन आगे बढ़ता गया, हम टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते गए, वैसे ही हमने हमारे ब्रांड्स भी चेंज करते गए, राइट फ्रेंड्स। तो वैसे ही यहाँ पर ये ब्रांड्स चेंज सिर्फ करने से आपके घर में बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो और भी कुछ प्रोडक्ट्स है। अभी और एक बेनिफिट आपको बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि 40 rupees का सोप है। एक्चुअल में आपको तो आप डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनते हो, रजिस्टर स्मार्ट कंज्यूमर बनते हो, तो आपको क्या मिलता है 35 rupees में। बट अगर आपने आज ये प्रेजेंटेशन देखा और आपने तुरंत रजिस्टर करवाया एज अ स्मार्ट कंज्यूमर, तो ये प्रोडक्ट आपको 26 rupees में मिलेगी। कितना बड़ा बेनिफिट, यानी और 25% डिस्काउंट। आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो 25% के बेनिफिट हमें और डिस्काउंट मिल सकते हैं, राइट। सो डेफिनेटली इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने पहले कहा आपसे, राइट। राइट क्वाड्रेंट में आने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा प्रोडक्ट की जो बात करते हैं हम कि लेफ्ट साइड में हम जाते हैं तो 10 घंटे, राइट, और सेल्फ एबिलिटी और 1 से 2 घंटे सोर्स ऑफ इनकम है। वहां पर ही अगर हम बात करते हैं, अगर मैंने खुद ने सामान लिया और मैंने यही चीज लोगों को रेकमेंड की तो क्या हुआ, मैंने 100 लोगों को ये बात की और उन्होंने भी खुद ये सामान लिया और 2 घंटे सिर्फ यहाँ पर आए, तो उनके कितने घंटे हो गए, 200 घंटे। यानी कि मेरा टाइमिंग का जो मैंने बॉन्डिंग था वो यहाँ पर तोड़ दिया। उसी के अलावा अगर मैं ये बताऊं कि 259 में से मैंने मेरे खुद को निकाल दिया तो 258 हो गए और सिस्टम जनरेटेड पे है ये, राइट। आपके घर में आप अपने लिए सामान लाते हो, क्या वो बाकी के लोग आपको पूछ के नहाने धोने का साबुन लाते हैं, नहीं, हम अपने हिसाब से ही लाते हैं, राइट। यानी अगर मैं कहा बाहर गांव चली गई तो क्या बाकी के लोग भी बाहर गांव चले जाएंगे, क्या वो नहाना धोना बंद कर देंगे, जी नहीं। तो यहाँ पर ये एक सिस्टम बेस है। और अगर इनकम की बात करते हैं तो मल्टीपल सोर्स इनकम है। सी यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे बात की, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ये चीज को अचीव करते हैं, राइट। आप देख सकते हो एक 21 इयर्स की है जो लेडी, जहाँ पर उसको एक कार फंड से उसने खुद अपने लिए गाड़ी खरीदी, यानी अपना ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद का जो टाइम है वहां पर, यहाँ पर कोई एज का बाउंडिंग नहीं है। जैसे आप राइट साइड में देख सकते हो एक 82 इयर्स की यंग लेडी, राइट, अगर वो भी कर सकती है डेफिनेटली, राइट। उसके अलावा स्पेशल पर्सन्स की बात करूं, अगर ये सभी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हम डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ फ्रेंड्स, वुमेन्स में बहुत सभी लोग ड्रीमर्स रहते हैं, बट जैसे हम बताते ना लेडीज में ड्रीम्स बहुत ज्यादा रहते हैं, राइट। और आप लेडीज मल्टीटास्किंग का काम कर सकती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी लेडीज भी काम कर रही है, बहुत सारी हाउसवाइफ होगी तो आप सोच सकते हो कि आप भी कर सकते हो ये डेफिनेटली। यहाँ पर ये दीपल मैम है जो पाटन से बिलोंग करती है, शी वॉज अ हाउसवाइफ और आज 35 lakhs पर मंथ कमा रही है। फ्रेंड्स ये मैं बात कर रही हूँ 35 lakhs पर मंथ, आज लोगों की साल की भी इनकम नहीं होती है, राइट। और इसके अलावा भी बात करूं तो मैं, आप देख सकते हो प्रोफेशनल लोग्स,
राइट, जहां पर आज अगर मैं बात करती हूँ एमबीए पर्सन है, राइट, वो भी आज पैसे यहाँ से बहुत अच्छे कमाते हैं। अगर मैं डॉक्टर्स की बात करती हूँ फ्रेंड्स, आज डॉक्टर्स ये जो आप देख सकते हो डॉक्टर एम जी एंड स्मिता राय, ये जो दोनों डॉक्टर्स हैं आज 20 अगर आपको बात करूं ओपीडी में 200 पेशेंट्स उनके होते, बट आज वो प्रोफेशनल के अलावा यहाँ पर भी बहुत अच्छी इनकम कमा रहे। एक के सिंह जी आईएसए ऑफिसर, राइट, ये सबके बीच में तो हम कहाँ पर तो आते हैं। अगर ये लोगों को जरूरत है तो डेफिनेटली हम लोगों को तो जरूरत है ही इनकम की। सिक्योरिटी की बात आती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चीज मैं बहुत बड़े से बता सकती हूँ, सिक्योरिटी में आता है जहाँ पर ये आप देख सकते हैं डॉक्टर मिस्टर मोहंती जी, राइट, आज जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और आज से कुछ साल पहले, आज हमारे बीच नहीं है, तब उनकी यहाँ पर मंथली इनकम जो थी वो 11 लाख थी। और आज अगर फ्रेंड्स हमारे घर में जो कमाने वाले पर्सन है अगर वो नहीं होते हैं तो हमारी इनकम क्या होती है, 0। बट यहाँ पर फ्रेंड्स वही इनकम उल्टी ज्यादा बढ़ गई, यानी आज उनकी अगर महीने की इनकम अगर मैं आपको बताऊं तो 13 लाख पर मंथ आती है, यानी कि जहाँ पर हम बताते हैं कि जाने के बाद भी पैसे आते हैं, राइट। यहाँ पर फ्रेंड्स एक सिस्टम है, जैसे बहुत सारे लोग नए होंगे तो मैं आपको ये बता दूं, काफी लोगों के दिमाग में ये होगा हम करेंगे कैसे, जैसे मैंने कहा सपने अगर है आपके तो करेंगे कैसे, तो यहाँ पर हमारे एक एजुकेशन सिस्टम है विनिंग टीम करके, और हमारी ये चीफ मेंटर है विनिंग टीम के एसपी सर संध्या भारिल जी, दोनों हैं एसपी सर, एसपी भारिल सर एंड संध्या मैम, राइट, सर्वज्ञ सर एंड चेरी मैम, ये बहुत ही हमारे चीफ मेंटर है जो हमें सिखाते हैं एजुकेशन में कि आपको कैसे काम करना है। इसी के अलावा हमारे अनूप सर एंड आरती मैम भोपाल से है, सेल्स मैनेजर फार्मास्यूटिकल में थे, आज तीन से चार साल में एक महीने की अगर मैं इनकम की बात करूं तो 20 लाख, राइट, 20 लाख पर मंथ कमा रहे हैं फ्रेंड्स। इसी के बाद मुंबई से हमारे सागर सर एंड रचिता भामरी मैम, राइट, एमबीए फाइनेंस कंसल्टेंट, आज 2016 में उन्होंने ज्वाइन किया था, और अगर आप फ्रेंड्स देख सकते हो मार्च 2019 का पर मंथ का चेक है 13 लाख, राइट। इसके बाद है रामा सर एंड ममता सोलंकी मैम, राइट, जहां पर अगर मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स तो अगर आप देख सकते हो कि नवंबर महीने का, ये भी एक जॉब करते थे, सेल्स एग्जीक्यूटिव थे फार्मास्यूटिकल कंपनी में, आज 5.5 लाख की इनकम कमा रहे पर मंथ की। वहां पर ही हमारे बीच अहमदाबाद से मीना एंड विपुल रावल जी, खुद का बिजनेस था गारमेंट्स का, और आज वो फुल टाइम ये बिजनेस करते हुए आज महीने की 98 यानी 1 लाख की इनकम पर मंथ की कमा रहे फ्रेंड्स। ये अगर आप देख सकते हो तो जुलाई महीने का है जहां पर लॉकडाउन में सभी लोगों के पैसे आने बंद हो गए थे, राइट फ्रेंड्स। अगर मैं लेडीज की बात करती हूँ बहुत प्राउडली ये बात कर सकती हूँ, गीता मैम है यहाँ पर, जहां पर ये मुंबई से बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, खुद गवर्नमेंट बहुत बड़ी कंपनी गवर्नमेंट कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर है, लेक्चरर है, और उसी के साथ वो पीएचडी भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम में आज ये बिजनेस बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। और आप देख सकते हो गीता वरुण जी का चेक जुलाई 2020 का, दैट इज अगेन नियर बाय टू 1 लाख। इसके बाद है अल्पा हितेश राठौर जी, ये बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, और मैं बात करूं इनकी तो शी इज ऑल्सो लेक्चरर एंड उन्होंने आज खुद का उनका ट्यूटोरियल है, और उसी के साथ मेरे मेंटर भी है जिन्होंने मुझे ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाई थी, एंड वेरी ब्लेस्ड कि आज मैं बोल सकती हूँ ये। सी फ्रेंड्स यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको दिखाई, राइट, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक वुमेन एम्पायर जिसमें आप देख सकते हो काफी लेडीज इसे जहाँ पर मैं हूँ मैम है, और आप बाकी ये भी देख सकते हो शीतल जी है जो बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, गायत्री जी है जो मुंबई से हैं, और पारुल इटालिया जी जो ऑलरेडी सूरत से बिलोंग करते हैं। सो फ्रेंड्स करना क्या है यहाँ पर, आपको एक सिर्फ आपकी ब्रांड चेंज करनी है, राइट। आज ब्रांड चेंज करते करते आपको लक्स साबुन भी अगर यूज किया तो उसका पानी जो झाग निकलता है वो कहाँ जाता है, गटर के नाले में, बट अगर आपने एश्योर सोप यूज किया फ्रेंड्स वहां से आपकी गाड़ियां निकलेगी,
लग्जरी गाड़ी निकलेगी, सिर्फ गाड़ी नहीं लग्जरी गाड़ी की बात करती मैं फ्रेंड्स। सो करना सिर्फ आपको एक है कि ब्रांड चेंज करना है और कुछ नहीं। अगर ब्रांड चेंज करते करते आपके सपनों का घर बन सकता है, फॉरेन टूर ले सकते हो, अच्छी ज्वेलरी और सब कुछ ले सकते हो, फाइनेंशियल फ्री भी हो सकते हो यहाँ से फ्रेंड्स, राइट। सो वेलकम टू आवर राइट क्वाड्रेंट सेशन। 3 से 5 साल आप हैज अ स्मार्ट का काम कीजिए और आप सबका स्वागत है आज हमारे ये राइट क्वाड्रेंट के सेशन में, राइट। सो विद दैट आई विल एंड द सेशन ओवर हियर। थैंक यू एंड बैक टू संदेश जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। तो बहुत सिंपल अपॉर्चुनिटी है कि हम एक्सपेंस डेली कर रहे हैं ना, मंथ एक्सपेंस कर रहे हैं, वही एक्सपेंस करते करते हमें इनकम ऑन होने वाला है। तो मैम ने आप बहुत अच्छी तरह समझा। हम अभी और आपको लाइव दिखाएंगे कि कौन कौन जो है जो यहाँ पे इनकम बना रहे हैं, है ना, सिर्फ अपना घर का सामान चेंज करके कौन कौन इनकम बना रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि हमारे एक ग्रेट लीडर दीपक गायकवाड़ जी, वेलकम सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच संदेश जी। थैंक्स टू मिताली मैडम, बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग मैडम ने दी है और तो हमारे ग्रेट लीडर भी है और मेरी खुद के अपलायंस है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम संदीप जी ने बताया तो भी मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है दीपक गायकवाड़ और मैं यहाँ पे लास्ट 2 ईयर से ये पैशनेटली काम कर रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ दीपिका जी। और मैं मेरा थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली फार्मा सर्जिकल लाइन से हूँ और मैं एक कंपनी में एज अ रीजनल सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ और साइड में मैं पार्ट टाइम वेस्टीज कर रहा हूँ। थैंक यू वेस्टीज ने आज जो मुझे दिया है, बहुत कुछ यहाँ से मुझे मिला है और अच्छी तरीके से मैं मेरा इनकम भी कमा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सेकेंड। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैडम ने बताया कि विनिंग टीम जो है जहाँ से अपने को एजुकेशन मिलता है, तो मैंने मेरे लाइन में बहुत कुछ सीखा है बट जो मेरे लाइन में मैंने सीखा वो यहाँ पे मुझे ये काम में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो विनिंग टीम अपने बारिश सर ने जो अपनी बनाई है एजुकेशन सिस्टम और वहां से जो एजुकेशन अपने को मिलता है वो बहुत जरूरी है और वो लेना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे जो लोग आज यहाँ पे सुन रहे हैं, मिताली मैडम ने जो भी यहाँ पे टीच किया और जिन्होंने भी यहाँ पे अभी नए लोग आए हैं, इनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है तो हर एक को जो आपके रिलेटिव रहेंगे या फ्रेंड्स रहेंगे तो उनसे आप ज्वाइंट उनसे टच में रहिए और यहाँ पे इमिजिएटली जो बताया है वो उनसे बात करके ज्वाइन कीजिए और अपना पार्ट टाइम से इनकम या फुल टाइम इनकम यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं इमीडिएटली। थैंक यू वेरी मच संदेश जी, थैंक यू वेरी मच माय ग्रेट लीडर अल्पा जी एंड मिताली जी। थैंक यू। मैं सेकंड बुलाना चाहूंगा जो हाई प्रोफेशन टीचर है और घर संभालते उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया है। सो मैं और हमारे ग्रेट अपलाइन है अल्पा रातो जी। सो मैम प्लीज आपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच संदेश जी। हेलो फ्रेंड्स, नाम अल्पा राठौड़ है, मुंबई से हूँ और बाय प्रोफेशन यहाँ पे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में लेक्चरर थी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 11 साल एज ए लेक्चरर जॉब किया है और उसी के साथ यहाँ पे खुद के प्राइवेट ट्यूटोरियल्स चलाती थी। तो 11 साल खुद का बिजनेस भी किया है एज ए ट्यूटोरियल फॉर्म में, जॉब भी किया है, तो एक्सपीरियंस तो खुद के प्रोफेशन का बहुत था। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत आज ब्लेस फील कर रही हूँ कि 2 साल पहले ये समझ में आ गया कि अल्टीमेटली सेल्फ एम्प्लॉयड ही थे, कर तो जॉब ही रहे थे। मेरे हस्बैंड हितेश राठौड़ बाय प्रोफेशन आईटी प्रोफेशनल है और उन्हीं के साथ पिछले 2 साल से ये प्लेटफॉर्म पे हम पैशनेटली काम कर रहे हैं। और बिजनेस में अचीवमेंट क्या हुआ 2 साल में, तो पिछले जो ये 4 महीने का जो लॉकडाउन रहा ना फ्रेंड्स, उसमें हम सभी ने अच्छा सा एक पिक्चर देख लिया।
बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका जॉब नहीं रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको 50% सैलरी मिली है, 30% सैलरी मिली है, लेकिन वी आर ब्लेस्ड कि हमें आज सैलरी की चिंता नहीं है कि जॉब से सैलरी आएगी तो ही हमारा घर चलेगा या हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं बहुत तभी प्राउड फील करती थी कि खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में हूँ, वो तो मुझे ये बिजनेस में आने के बाद पता चला। तो पिछले ये जो 4 महीने के लॉकडाउन रहा, जहाँ शायद सभी ने बहुत तकलीफें देखी, लेकिन वी आर ब्लेस्ड कि हमारी इनकम बढ़ती ही गई है 4 महीने में। फ्रेंड्स, अचीवमेंट ये हुआ कि जॉब जो गवर्नमेंट जॉब था, एज अ लेक्चरर काम कर रही थी वहां पे, शायद रिटायरमेंट को और भी 20-22 साल बाकी है, लेकिन आज काले बालों के साथ रिटायरमेंट ले लिया है। अपने जॉब की जो सैलरी थी वो सैलरी यहाँ से रिप्लेस कर ली है, रेजिग्नेशन दिया और आज एक फुल टाइम मॉम की तरह अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी कर रही हूँ और उसी के साथ अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे से हस्बैंड के साथ पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। तो अगर काले बालों के साथ रिटायरमेंट होना है, 60 साल तक काम नहीं करना है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। लेट्स कम एंड जॉइन विद अस। थैंक यू सो मच। अल्पा राठौर, मुंबई से। यस मैम, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आप अपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया था उनसे। आई थिंक फ्रेंड्स, शायद संदेश जी का वहाँ पर नेटवर्क का कुछ इश्यू है। सो फ्रेंड्स, जैसे ऑलरेडी संदेश जी ने कहा, राइट, एक ही चीज़ यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, जिन्होंने भी आपको ये लिंक्स शेयर की है, आप सबसे पहले उनको थैंक यू बोलिए। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिखाई, कुछ आपके लिए भला चाहा है, राइट।